नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और मैं आपके लिए लेकर हाजिर हो चुका हूं छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रादेशिक समाचार। तो चलिए दोस्तों, आज की सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां पर सर्दी के विरुद्ध जो है छत्तीसगढ़ सरकार की तैयारियां निकल कर सामने आ रही है। ठंड से बचाव के लिए रेन बसेरा में रहने वाले लोगों को कंबल का वितरण जो है छत्तीसगढ़ सरकार करने वाली है। दिहाड़ी मजदूरों और आवासहीनों का ध्यान रखने पर भी प्रशासन का जोर जो है होने वाला है, यानी कि अब प्रदेश में गुलाबी ठंड की शुरुआत होने से पहले ही सरकार उससे निपटने की तैयारी में लग चुकी है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव रीता सांडिल्य ने सभी विभागों और संभाग के आयुक्तों और कलेक्टरों को पत्र जारी करके ठंड से लोगों को बचाने के व्यापक दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन को क्या क्या काम करना बाकी है वो हम आपको बताते चले। रैन बसेरा या फिर अस्थायी शरण स्थलों की व्यवस्था प्रशासन को करना होगा। इनमें रहने वाले रिक्शा चालक, दैनिक मजदूरों, आवासहीनों के लिए रैन बसेरा या फिर अस्थायी शरण स्थलों में ठहरने की व्यवस्था प्रशासन को करनी होगी, जबकि कंबल के लिए व्यवस्था भी इनको करना होगा। यानी कि रैन बसेरा में रहने वाले लोगों को कंबल की व्यवस्था देनी होगी प्रशासन को। इसके अलावा अलाव की व्यवस्था भी इनके लिए करनी होगी, और साथ ही साथ अगर इन रैन बसेरा में रहने वाले कोई भी व्यक्ति की तबीयत खराब होती है तो इनके लिए इलाज की सुविधाएं भी प्रशासन को मुहैया कराना जरूरी होने वाला है। यानी कि ठंड से बचाव की पूरी तैयारियां जो है प्रशासन को करनी अभी बाकी है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर एरियर्स और डीए को लेकर के कर्मचारियों में असंतोष की स्थिति बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री से फेडरेशन जो है मुलाकात करने वाले हैं। सातवें वेतनमान के एरियर और डीए की मांग को लेकर के कर्मचारियों में लगातार असंतोष की स्थिति बढ़ती जा रही है। इस मामले में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात करने वाला है। तो वही फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा का कहना है कि मुख्यमंत्री ने इससे पहले भी सार्थक पहल करने का आश्वासन दिया था, चूंकि घोषणा में देरी हो रही है तो इस वजह से मुख्यमंत्री से मुलाकात करके जल्द ही इसके लिए पहल करने का आग्रह जो है ये फेडरेशन के संघ के अधिकारी पदाधिकारी करने वाले हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर प्रशासन की एक बहुत बड़ी जो लापरवाही है निकल कर सामने आ रही है। महामारी मरीज बताकर के महिला को वार्ड में भर्ती करा दिया गया, इस वजह से इनकी मौत जो है निमोनिया से बताई जा रही है। ऐसे में एक महिला मरीज को महामारी यानी कि कोविड-19 वायरस से संक्रमित बताकर के उपचार के नाम पर लाखों रुपए की वसूली करने का मामला निकल कर सामने आ रहा है। देवेंद्र नगर स्थित हेरिटेज अस्पताल में पीरदा से पहुंचे एक परिवार ने आरोप लगाया है कि सुख बाई को तबियत खराब होने पर अस्पताल प्रबंधन ने महामारी पॉजिटिव बता करके वार्ड में भर्ती करा दिया था, यानी कि महामारी वार्ड में, और कई दिनों तक संक्रमण के नाम पर लाखों रुपए की वसूली भी किए जा चुके हैं, जबकि लंबे उपचार के बाद बुजुर्ग ने दम भी तोड़ दिया। इसके अलावा डॉक्टरों ने मौत की वजह निमोनिया बता करके पल्ला झाड़ लिया और महामारी का भय जता करके मोटी रकम पहले ही इन परिजनों के द्वारा जो है वसूल ली गई। और परिजनों ने भी यह भी बताया कि मौत के बाद बुजुर्ग की डेड बॉडी का जब फिर से टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट जो है नेगेटिव निकली, यानी कि इनका जो है महामारी के नाम पर जो लूट है इस प्रशासन ने, यानी कि जो हेरिटेज हॉस्पिटल है तो इन्होंने इन परिजनों के से की हुई है। उम्मीद है इन परिजनों को जो है सरकार के द्वारा जल्द ही इनका इंसाफ जो है मिल जाए और इनकी जो भी भरपाई है वो प्रशासन इनको जरूर से करे, हमारी यही गुजारिश रहेगी प्रशासन से। साथ ही साथ आज की अगली बड़ी खबर आई है, इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि छत्तीसगढ़ की हर एक खबर सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर प्रदेश के जो कांग्रेस कमेटी है तो इन्होंने जो है केंद्र सरकार पर हमला बोला है। रायपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नोटबंदी का फैसला देश के इतिहास में काले अध्याय के तौर पर याद किया जाएगा, जबकि आपको बताया चले कि बीते दिन 8 नवंबर था और ऐसे में 8 नवंबर 2016 को जो है नोटबंदी भी हुआ था, जो कि आपको बखूबी याद होगा। तो मोहन मरकाम ने कहा है कि नोटबंदी नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी असफलता है, सरकार के पास कोई अतिरिक्त धन नहीं बचा हुआ है, यह पूरी तरह से फेल हुआ है। जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने यह भी कहा कि अर्थव्यवस्था को नष्ट करने और लाखों लोगों को बर्बाद करने के बाद मोदी सरकार को माफी मांगनी चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आखिरकार इस पर प्रशासन यानी कि जो सरकार है नरेंद्र मोदी की, तो इसने क्या नोटबंदी करके सही किया या फिर गलत किया, आप जो है कमेंट बॉक्स
में लिखकर जरूर बताइएगा। आपके जवाब का इंतजार मेरे को हमेशा सही रहता है। दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है जहां पर एक अचूक जो तकनीक है इसका इस्तेमाल जो है हाथियों को भगाने के लिए धरमजयगढ़ में अभी इसका प्रयोग जो है चल रहा है। ऐसे में आपको बताया चले कि हाथियों को भगाने के लिए एक ऐसा स्प्रे बनाया गया है जिसकी खुशबू हाथियों को पसंद नहीं है। धरमजयगढ़ में अभी फिलहाल इसका जो प्रयोग है वो चल रहा है। जैसे ही सफल होता है ये जो पूरे प्रदेश में इसका इस्तेमाल किया जाना है। हाथियों को बस्ती व खेतों से दूर रखने के लिए केरल और तमिलनाडु में इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक का नाम डिफेंड तकनीक दिया गया है। जबकि धरमजयगढ़ वन मंडल में हाथियों को जंगल भीतर रोकने दर्जनों उपाय अब तक अपना चुके हैं फॉरेस्ट विभाग द्वारा, लेकिन अब तक कोई भी उपाय जो है कारगर साबित नहीं हुआ है। अब आखिरकार इसका जो प्रयोग है वो चल रहा है। जैसे इसका जो प्रयोग है सफल रहता है तो इसको पूरे प्रदेश स्तर पर लागू किया जा सकता है। दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यह वीडियो आपके हर एक जानकार व्यक्ति तक जरूर शेयर कीजिए ताकि उन तक भी मस्त जानकारी पहुंचती रहे। दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है जहां पर सीएम भूपेश बघेल का बयान निकलकर सामने आ रहा है। पटाखों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर के अभी विचार नहीं है, ऐसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान निकलकर सामने आ रहा है। प्रदेश में पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अभी राज्य सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी कोई भी विचार नहीं किया है। तो वहीं जल जीवन मिशन में सीएम ने किसी भी घोटाले को लेकर के इनकार किया हुआ है। इससे पहले हमने आपको खबरों में बताया था कि जो विदेशी पटाखे हैं तो इनके बिक्री और भंडारण पर पूरी तरह से प्रशासन ने रोक लगा दिया है। तो अब तो ये तो निश्चित हो गया है कि विदेशी पटाखों पर जो प्रतिबंध है लगा दिया गया है। इसके अलावा आप जो है अभी इस देसी पटाखों या फिर पटाखों के चलन पर अभी जो प्रशासन है उसकी कोई भी जो नियम है यानी कि कानून है निकलकर सामने नहीं आ रहा है। यानी कि अब तक जो है आप नियमों के अनुसार जो है आप पटाखे जला सकते हैं। और साथ ही साथ आज की एक और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें जहां पर विपक्ष का एक बहुत बड़ा दावा निकलकर सामने आ रहा है। जो विपक्ष है नेता प्रतिपक्ष है धरमलाल कौशिक, तो इनका कहना है कि महामारी के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार झूठे मेडिकल बुलेटिन जारी कर रहा है। जी हां, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक का कहना है कि महामारी संक्रमितों की मौत के आंकड़े छुपाने का आरोप इन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार पर लगाया हुआ है। जबकि इनका कहना है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने भी छत्तीसगढ़ के हालात पर अपनी जो चिंता है गंभीर चिंता जता चुके हैं। जबकि बीजेपी के नेता और प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने बहुत बड़ा आरोप जो है छत्तीसगढ़ सरकार पर लगाया हुआ है। धरमलाल कौशिक ने बहुत बड़ा दावा ठोका हुआ है। ऐसे में कौशिक का कहना है कि प्रदेश सरकार महामारी से जुड़े झूठे मेडिकल बुलेटिन जारी करती है और उनका कहना है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी इसको लेकर के अपनी जो चिंता है वो जता चुके हैं। अब मैं आपको पूछता हूँ कि आखिरकार ये जो मेडिकल बुलेटिन जारी करता है क्या इनमें कोई गड़बड़ी है? आखिर गड़बड़ी है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है जहाँ पर फिल्मों का लुफ्त उठाने वाले दर्शकों के लिए बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। बड़े पर्दे पर फिल्म का लुफ्त जो है आप लोग उठा सकते हैं। यानी कि इनका जो ओपनिंग है सिनेमा घर का मल्टीप्लेक्स का, इनकी जो ओपनिंग है खोलने की जो आदेश है जारी किया जा चुका है और शुक्रवार से इनके जो ओपनिंग है हो चुकी है। महामारी के कारण करीब 8 माह बाद बड़े पर्दे पर दर्शक फिल्म का लुफ्त उठा पाएंगे। प्रदेश सरकार द्वारा मंजूरी मिलने के बाद से राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी शहरों में मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घरों को शुक्रवार से खोलने की तैयारी की जा चुकी है। हालांकि अभी कोई नई फिल्म न डलने के कारण संचालक रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जबकि इसके लिए कुछ नई फिल्में आने वाली हैं और जैसे ही फिल्में आती हैं तो आपको जो है इन फिल्मों का लुफ्त जो है आप सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स पर जाकर आनंद ले सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ आज की महामारी के ताज़ा अपडेट आपको बताते चले, आपको बताया चले कि बीते 24 घंटे में 22 मरीजों की मौत बताई जा रही है, जबकि 1571 नए केसेस की पुष्टि भी बताई जा रही है बीते 24 घंटे में। ऐसे में 2 लाख के पार जो महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा है क्रॉस कर चुका है। इस दौरान जो है राजधानी के एक व्यक्ति की मौत भी शामिल बताई जा रही है, जबकि छत्तीसगढ़ में ठीक होने वाले मरीजों की दर बढ़ करके 87.1% पर बनी हुई है। यानी कि अब जो भी व्यक्ति संक्रमित होते हैं तो उनमें से 87.1% जो व्यक्ति हैं स्वस्थ होकर अपने घर को लौट जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आई है।
इसी के साथ दोस्तों आज की अंतिम बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहां पर छत्तीसगढ़ में जो मौसम है इसका जो रुख है वो बदलने लगा है। ऐसे में जो ठंड है लगातार बढ़ते हुए नजर आ रही है। रात के तापमान में भी गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है। राजधानी सहित छत्तीसगढ़ में मौसम बदलने लगा है, जबकि प्रदेश में अब ठंड बढ़ने लगी है, तो वही रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में उत्तर से शुष्क और ठंडी हवाएं लगातार जारी है। रविवार को भी छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में वृद्धि नहीं होने हैं। ऐसे में न्यूनतम तापमान में गिरावट की ट्रेंड अभी जारी है और कुछ ही दिनों तक जो है जारी रहने वाली है। यानी कि ठंड में अभी फिलहाल बढ़ोतरी लगातार देखने को और भी मिलने वाली है और जो भी ठंडी है वो लगातार बढ़ने वाली है। तो दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि छत्तीसगढ़ की प्रतिदिन की खबरें आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।